तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फोर्स आज में स्लॉट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप अपने स्लॉट को खुद किस प्रकार से एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो सबसे पहले आपको अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन करना है। यह देखिए, हमने अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन कर लिया है और हमारा ट्रस्ट वैलेट ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमें अपने वैलेट में बैलेंस देखना है कि हमारे वैलेट में बैलेंस है या नहीं। यह देखिए, अगर आप 15 BUSD का स्लॉट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपके पास 15 BUSD से ऊपर होने चाहिए और आपके पास कुछ स्मार्ट चेन भी होनी चाहिए। तो दोस्तों यह देखिए, हमारे पास 16 BUSD बाइनेंस है और हमारे पास स्मार्ट चेन भी है, तो हमारा स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम XXX का दूसरा स्लॉट एक्टिवेट करके दिखाएंगे जो कि 15 BUSD का है और हमारे वैलेट में 16 BUSD बाइनेंस है। और दोस्तों चलिए अब आपको स्लॉट एक्टिवेट करके दिखाते हैं। तो जैसे ही आपका वैलेट ओपन है तो सबसे नीचे आपको नीचे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आपको वैलेट के पास में जो DApps वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ऊपर सर्च बार वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको फोर्स आज सर्च करना है। दोस्तों यह देखिए, आपको सबसे पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी फोर्स आज की। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह देखिए सर्कल घूमने लगेगा और फोर्स आज लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा। दोस्तों हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए, आपका अकाउंट जिसमें भी है आप उस वाले अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। हम आपको BUSD वाला अकाउंट लॉगिन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों हम सर्कल को पहले घूमने देते हैं, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यह देखिए, हमारा पेज लोडिंग ले रहा है। तो यह देखिए, हमारा पेज लोड हो चुका है। अब हमें लॉगिन इन BUSD पर क्लिक करना है तो हमारा यह अकाउंट ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा ट्रस्ट वैलेट से। दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको ग्रीन कनेक्टेड दिख रहा होगा, तो हमारा वैलेट ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों यह देखिए, यह सर्कल फिर से घूमने लगा है और हो चुका है कंप्लीट। दोस्तों यह देखिए, हमें नीचे आना है तो हमें स्लॉट मिल जाएंगे। यह देखिए, हमारा इसमें एक स्लॉट एक्टिवेट है, जब जॉइनिंग लगाई थी यह तभी एक्टिवेट हुआ था। अब दोस्तों हमें और नीचे आना है तो यह देखिए, हमारा एक्सप्लोर पे स्लॉट 2 एक्टिवेट हैं जो कि 10 BUSD का दूसरा स्लॉट है, हमने यह भी एक्टिवेट कर लिया है। दोस्तों हम नीचे आते हैं XXX पर, तो यह देखिए, हमारा एक स्लॉट जब जॉइनिंग लगाई थी तभी एक्टिवेट था। अब दूसरे स्लॉट को हम आपको इस वीडियो में एक्टिवेट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसमें जुड़ना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यह देखिए, हमने XXX वाले दूसरे वाले स्लॉट पर क्लिक कर दिया तो यह देखिए, आपको रेड दिख रहा होगा नीचे। तो दोस्तों यह देखिए, हमारे यहाँ पर स्मार्ट चेन का बैलेंस नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारा बैलेंस था। तो दोस्तों यह देखिए, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ नहीं शो होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने स्लॉट को एक्टिवेट करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों हम फिर से ट्राई करते हैं। तो दोस्तों हम एक बार बैग आ जाते हैं तो यह देखिए, दोस्तों आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा इथेरियम वाला आइकन, यहाँ से आपको स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है। पहले हमारा ये इथेरियम था और अब हमारा स्मार्ट चेन पर कनेक्ट हो गया है ये। और यह देखिए, पेज दोबारा से लोडिंग हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही यह पेज लोडिंग हो जाता है तो हमें फिर से XXX वाले दूसरे स्लॉट पर एक्टिवेट करना है जहाँ पर 15 BUSD का स्लॉट है। दोस्तों हम इस वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं तो यह देखिए, हमारे सामने फिर से वही ऑप्शन आ जाते हैं और अब के हमारा यह ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी कि स्मार्ट चेन चेक हो चुकी हैं। और दोस्तों हमारा बैलेंस भी चेक हो चुका है। अब हमें अप्रूव BUSD चेक करना है तो हम एक्टिवेट के लिए क्लिक करते हैं तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ चुका है। अब दोस्तों थोड़ी देर यह सर्कल घूमेगा तो यह देखिए, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको नीचे अप्रूव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हम इस पर अप्रूव कर देंगे तो हमारा स्लॉट एक्टिवेट होने लगेगा और कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारा यह स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं जब तक हमारा यह स्लॉट एक्टिवेट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं नया पेज आया है, एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हमारा स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यह देखिए, कुछ इस प्रकार से सर्कल घूमेगा, आपको 15-20-30 सेकेंड लग सकती हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारा बैलेंस कट चुका है, अब हमारा स्लॉट भी एक्टिवेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं XXX का हमारा दूसरा स्लॉट एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर यह कलर बदल चुका है स्लॉट का, यह देखिए। और अब तीसरे स्लॉट पर एक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारे दो स्लॉट एक्टिवेट हो चुके हैं XXX के भी। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने स्लॉट को खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस सिस्टम में जुड़ना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यह बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। आप इसमें अगर जुड़कर काम करते हैं तो आप लाखों करोड़ों रुपये इस सिस्टम की मदद से कमा सकते हैं और यह 100% डिसेंट्रलाइज है। अब दोस्तों हम बैग आते हैं और आपको बैलेंस दिखाते हैं कि हमारा बैलेंस कटा या नहीं। तो हम वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए, जैसे ही हमने पेज रिफ्रेश मारा तो हमारा बैलेंस कट हो चुका है। पहले हमारे $20 के समथिंग थे और अब ये $4 बचे हैं, जो कि 15 BUSD का तो हमारा दूसरा स्लॉट था और कुछ स्मार्ट चेन का चार्ज लगता है।
तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने स्लॉट को एक्टिवेट कर सकते हैं और आपके पास स्मार्ट चैन भी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।